नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं एसडीएम नगर में और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ भैया? मुझे क्या हुआ और क्या हुआ है भाई साहब? हाँ जी, यहाँ मकान गिर गया एक। कैसे गिरा ये मकान? ये इसमें काम चल रहा था, इसमें बीच वाले कमरे में। अच्छा। तो ऊपर वाला तोड़ना था, नीचे वाला कमरे तोड़ रहे, तो इस वजह से ही वो मकान गिर चुका है जी। कब गिरा ये? अभी गिरा 20-25 मिनट पहले। 20-25 मिनट पहले गिरा। आधे किसी के चोट वगैरह लगी है? बहुत आदमियों के लगी है। बंदे भी दबे हुए हैं कुछ अभी। अभी दबे हुए बंदे कितने लोग? एक हमारे खास आदमी थे, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। अभी एम्बुलेंस? हाँ, अपनी गाड़ी में लेके गए। और एक तो ठीक है, एक आंटी उनका पैर खराब है। कितने लोग काम कर रहे थे करीबन? पता नहीं, ऐसे ही दो तीन बंदे काम करते हैं इसके अंदर। चार बंदे काम करते हैं और ऊपर किराए पे रहते हैं। जो किराए पे रह रहे थे उनके भी परिवार वाले, उनके भी उनके जी, वो भी दब चुके हैं जी। बिल्कुल, अभी देखते हैं, वो तो पता लगेगा। एक दो लेडीज निकाली है, दो निकाली है जी। दो लेडीज निकाली, हालत कैसी? एक आदमी को लेके कह नहीं सकते, गंभीर हालत। तो कुछ पता नहीं है जी कितने बंदे इसमें निकलेंगे। कितने निकल चुके हैं अभी? तो शायद चार या पांच निकले हैं। तीन चार निकले हुए हैं, चार से पांच, ज्यादा से ज्यादा चार से पांच ही निकले हैं। बाकी जो कस्टमर वगैरह होते हैं वो कुछ वो निकले हैं जी, जो नीचे वाले में थे। हाँ जी, हाँ जी, नीचे वाली में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर किराएदार रह रहे थे। तोड़ फोड़ करके बनाया जा रहा था। तो मकान क्या ज्यादा पुराना? नहीं नहीं, काफी पुराना था। नहीं, इसमें काम तो पहले ही चल रहा था, अभी 10 से 12 दिन पहले भी काम चल रहा था इस वाले कमरे में। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी थोड़ा ठीक था, ये नीचे वाले कमरे बन चुके थे, अब ये ऊपर वाला साइड से बन रहा था। अब ये पता नहीं कैसे हुआ है, पूरा गिर गया है, पूरा खम्बा फम्बा। कारण नहीं पता कि कैसे गिरा? नहीं, ये कारण नहीं पता जी। मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। हाँ जी, और आ? वो तो अभी चटका था, एक लंग से चटक रहा था, फिर एकदम गिरा था। पहले चटका था? हाँ, पहले चटका था थोड़ा थोड़ा, फिर एक लंग की दीवार गिरी थी। दीवार काम करता है ना? हाँ। अच्छा, तो आप उस टाइम भाई के सामने दुकान पर काम करता हूँ। अच्छा, सामने दुकान, तो आपने देखा पहले चटका? एक उधर एक लंग, तुम्हारे भी है उसी की वजह से? वो तो मेरी दुकान पर मट्टी आई, देख रहा हूँ मट्टी है ना। हाँ, एकदम वो एकदम एक लंग की दीवार गिरी थी, दीवार गिरने के बाद जब वो अपने आप ही एकदम गिरा था। हाँ, हाँ, बंदा निकल गया सारे, चोट नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर एक मकान गिर पड़ा है। जैसा यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, एक मकान गिर पड़ा है जिसकी वजह से काफी लोग घायल हुए हैं। तीन चार लोगों को अस्पताल ले जाया जा चुका है और अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे मकान में कुछ लोग दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, और पुलिस इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद है। और एक बार हालत दिखा दें, क्या हुआ है सर? ये तीन मंजिल का मकान था, गिर गया जी। निकल के शायद आदमी निकल गया जी। वो वहाँ बताएंगे, वो आगे जाओ आप, आगे जाओ आप। और आगे एक सेकंड भाई साहब, साइड हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं तीन मंजिल का ये मकान बचाया जा रहा है, और हालत आप देख सकते हैं, तीन मंजिल का ये मकान गिरा है इस वक्त यहाँ पर एसजीएम नगर में हम हैं। और तीन मंजिल का ये मकान है, गिरा है, इसमें बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ऊपर कुछ किराएदार भी रह रहे थे। पुलिस इस वक्त समय पर यहाँ पर पहुंची हुई है, मौके वारदात पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है, बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। पुलिस पूरा बचाव कार्य में यहाँ पर लगी। अभी तक कितने लोग नहीं? अभी इसमें कोई लोग नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी निकाल लिए गए सारे इसमें कोई नहीं है। कितने लोगों के चोट? नहीं पता जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तीन मंजिल का मकान ये बताया जा रहा है, और भर भरा के गिर चुका है जी। ये सूखे में मकान गिरा है, बारिश में नहीं गिरा, बारिश में नहीं गिरा, सूखे में गिरा है। पता लगते ही लग ही गई, पता लग गई। कारण कुछ नहीं, दुकान चल रही है, कारण क्या था? कुछ नहीं कारण है, अपने आप ही एक संग गिरने लग गया, एक संग नहीं, धीरे धीरे एक साथ धीरे 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 गिरा है। पांच मिनट के अंदर ये कांड, पांच मिनट के अंदर पूरा बंदे भागे, बंदे भर, सब सब बचे हैं। कोई मकान के अंदर है ना, जैसे आदमी थे मकान के अंदर, जैसे आदमी थे तो उन्होंने देखा क्या नाम, उसमें हल्की सी दरार सी आई है और वो हिलने लगा है,
तो वो उसी टाइम है ना अपने जो भी उनके साथ काम करते थे उनको बाहर निकाल के ले गए उस टाइम, फिर क्या नाम है एकदम मकान नीचे गिर गया। जान की हानि नहीं हुई है? देखो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से जो थे वो बाहर निकाल लिए, वो खुद ही बाहर निकल गए थे। बाकी रोड पे अगर कुछ हादसा हो गया तो उसका क्या कह नहीं सकते अभी कुछ भी, ये मलबा हटेगा तब हमें पता चलेगा। बाकी ऐसा किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, कोई वैसे ऐसा कोई नुकसान लगता नहीं हमें ऐसा, क्योंकि अब तक का तो पता चला तो रोड पे किसी को नुकसान होगा सब ठीक ठाक है, कोई सब बच गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, मत रही कि किसी की जान को नुकसान, जान वगैरह कुछ नहीं गई किसी की। सबसे बड़ी क्या नाम है, कुछ हुआ नहीं है अभी तक, कोई नुकसान जान माल का नुकसान नहीं है। ये तो देखो नुकसान ऐसा है जो जिसकी भरपाई हो जाएगी, इंसान की भरपाई नहीं होती, की भरपाई हो सकती है इंसान की, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये थोड़ा एक खंभा वगैरह बिजली की लाइन कटी हुई और बाकी इसको हम जेसीबी मंगवा के हटवा रहे हैं, इसको देखते हैं आज रात में हटवाते हैं या सुबह हटवाते हैं, अभी रास्ता दोनों साइड से बंद कर दिया है। थोड़ा सा ऐसा ना प्रशासन भी अपने क्या नाम राय देगा भाई किस तरीके से हटाया जाएगा, तो प्रशासन से मकान पे कुछ की सहायता लेके तब तभी इसको हटवाया जाएगा। बिल्कुल हाँ, प्रशासन सब टाइम पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आया था उनको इन्फॉर्म किया गया था, बाकी बिजली वाले भी आए सब आ गए धीरे धीरे, वैसे सब आ गए, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हैं, उन्होंने भी हमारे से पूछा है। हाँ यहाँ पे कोई गैस सिलेंडर ऊपर बनाते हैं ना, अपना ऊपर कोई चाय वाय बनाते थे, वो सिलेंडर शायद नीचे दब गया है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो खुले में ऐसी कोई दिक्कत, मलबे के नीचे ही होगा अगर होगा तो छोटा सिलेंडर ही होगा, वो ज्यादा नहीं, बाकी जेसीबी वगैरह बुला लिया है वो देखते हैं। फंसी पड़ी है बाहर गली में, हम भी वहाँ से आए, बिजली वालों को ही बुलवाया, खंभा अटक रहा है रास्ते में, तारे काटेंगे फिर आके देखते हैं, या तो आज रात को हटवा देंगे या सुबह तक रास्ता। कितने बजे करीब हुआ ये? बस अभी आधा घंटा ही हुआ है, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ है मैक्सिमम, आधा घंटा इससे ऊपर नहीं हुआ, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ है, 7 बजे के करीब मतलब ये हादसा हुआ है। लोग बता रहे थे कि 3-4 लेडीज थी वो घायल हो गई, उन्होंने हॉस्पिटल, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जब से यहीं पे हैं, जब से ये मकान का गिरा है ना उसी टाइम हम भी आ गए थे, हम अड़ोस पड़ोसी हैं, हमें तो तभी आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं, ऐसा लगता नहीं है, बचाव हो गया, किसी को चोट नहीं आई। एम्बुलेंस में वही कह रहे ना कि जितने मुंह उतनी बातें, वो पीछे से नहीं, वो तो ऐसा है ना मान लो कोई पीछे हादसा हुआ किसी का मरीज हो, वो उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई हो, उन्होंने फिर यही बात आगे कर दी। चलो भैया खाम के वो ये जो मकान है एक बार हालत दिखा दे इस मकान की, 3 मंजिल का ये मकान है, फिलहाल हम खड़े हैं SGM नगर में कल्याणपुरी के पास, और ये जो मकान है 3 मंजिल का मकान है, और करीब आधे घंटे पहले इस मकान में पहले दरारें आई, दरारें आने से जो लोग अंदर काम कर रहे थे, जैसे यहाँ जो खड़े मौजूद लोग हैं, जो मौके पे मौजूद लोग हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि मौके पर जैसे ही दरारें आई इस मकान के अंदर जितने लोग थे उन्हें मकान हिलता हुआ महसूस हुआ और वो मकान से बाहर आ गए, और उसके बाद ये मकान आप देख सकते हैं भर भरा कर गिर पड़ा है, और मलबा जब हटेगा, फिलहाल अभी तक जैसा बता रहे हैं यहाँ के लोग बता रहे हैं, अभी तक कोई किसी को किसी प्रकार की चोट या गंभीर चोट या किसी की हालत गंभीर नहीं है, और बाकी मलबा हटेगा, अगर कोई होगा तो मलबा हटेगा तब पता चलेगा, यहाँ खड़े हुए लोग जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं, और पुलिस से बात करेंगे, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और साहब नहीं आए, साहब तो बात वो साहब खड़े से तो साहब खड़े अच्छा, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, SHO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला उनके जानने की कोशिश करेंगे उनसे, बाकी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके बताने के मुताबिक यहाँ जितने लोग थे इस मकान में वो लोग समय से बाहर आ गए थे, मकान में पहले दरारें पड़ी उसके बाद मकान हल्का सा हिला जिससे जो लोग अंदर मौजूद थे वो समय से बाहर आ गए, और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। SHO साहब को बुला दें जरा, हमारे साथ मनोज कुमार SHO साहब मौजूद हैं, ASI मौजूद हैं मौके पर। सर इसमें अभी फिलहाल कोई जान माल का खतरा तो है नहीं, बस मकान गिरा है, वो मजदूर थे वो सारे बाहर थे, इसमें काम चल रहा था बस इतना ही है वो, हाँ बाकी कोई नहीं है, जान का कोई नुकसान नहीं है, देख सकते हैं जान का कोई नुकसान नहीं है, जगह हम बता दें SGM नगर कल्याणपुरी के पास में है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ASI अनंतपुर खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।